गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू लेट वी स्टार्ट स्टार्टर मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास फोर्थ माय डियर स्टूडेंट इन प्रीवियस क्लास एक्सरसाइज इज कंप्लीट टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज टेन पॉइंट फाइव इन दिस एक्सरसाइज वी मेजर कैप्सिटी मीन्स लिक्विड थिंग्स को किस में मेजर करते हैं लीटर सेंटीमीटर डेसी लीटर एक्सेट्रा नाउ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर कैप्सिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर नाउ रिलेशन बिटवीन वेरियसटीन कैपेसिटी की बीच में क्या रिलेशन होता है सबसे बड़ी यूनिट होती है सेकेंड इज हैक्टा लीटर शॉर्ट में राइट करते हैं एच एल एंड थर्ड इज डेका लीटर शॉर्ट में राइट करते डी एल एंड फोर्थ इज लीटर एल फिफ्थ इज डेसीटर डी एल सिक्स इज सेंटीलीटर सी एल एंड सेवेंथ मिली लीटर एम एल यूनिट होती है राइट हैंड में स्मॉलर यूनिट्स होती है और लीटर के लेफ्ट right हैंड में बिगर यूनिट होती है, होती है. Now, जब बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब मल्टीप्लाई करते है और स्मॉर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब डिवाइड करते हैं आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाव स्टार्ट अवर एक्सरसाइज

इस so, क्वेश्चन में हमें टू यूनिट्स गिवन है लीटर और मिलीलीटर इनको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स वन यूनिट ऑलरेडी मिलीलीटर में है तो इसको सेम प्लस करेंगे और लीटर को कन्वर्ट करेंगे प्लस सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलीलीटर लीटर स्टूडेंट्स नाइनटीन को वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया नाइनटीन थाउसेंड मिली प्लस सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव

जीरो नोस्टेंट क्वेश्चन इज टू एंड रिमाइंडर इज जीरो के साथ बड़ी यूनिट राइट करेंगे सेंटीलीटर और रिमाइंडर के साथ छोटे यूनिट राइट मिली लीटर टू सेंटीलीटर जीरो सिक्स मिली लीटर आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट पार्ट डी सेवन हंड्रेड थर्टी सिक्स मिली लीटर नव वन मिली इज इक्वल टू वन अपॉन टेन सेंटी नौ सेवन हंड्रेड थर्टी सिक्स को किस से डिवाइड करेंगे टेन से किस पे गया सेवन पे सेवेंटी नौ माइनस थ्री में से ज़ीरो को माइनस किया थ्री सेवन में से सेवन को माइनस किया ज़ीरो नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे थर्टी सिक्स नौ अब किस पे जाएगा थ्री पे थर्टी नौ माइनस सिक्स में से ज़ीरो को माइनस किया सिक्स थ्री में से थ्री को माइनस किया ज़ीरो सो स्टेंट क्वेश्चन इज 73 एंड रिमाइंडर इज 06 नाउ नाव 73 सेंटीलीटर 06 मिलीलीटर लीटर जीरो के साथ बड़ी यूनिट राइट right करेंगे सेंटीलीटर और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट राइट right करेंगे आई थिंक स्टेंट यू अंडरस्टैंड सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के इच पार्ट्स में टेंथ से डिवाइड करना है नाव यू डू क्वेश्चन नंबर थर्ड स्ट्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू टू एंड मिली लीटर क्वेश्चन नंबर थर्ड के इच पार्ट्स को डेसी और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है नाउ स्टेंट्स पार्ट ए टू थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव मिली लीटर वन मिली लीटर इज गल टू वन अपॉन हंड्रेड डेसीलीटर मीन स्ट्रेंड स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो डिवाइड होगा नाव टू थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे किस पे जाएगा टू पे टू हंड्रेड नाउ माइनस सेवन में से जीरो को माइनस किया सेवन वन में से जीरो को माइनस किया वन टू में से टू को माइनस किया जीरो नौ स्टैंड नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे अब नंबर है वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव स्टैंड अब किस पे जाएगा वन पे वन हंड्रेड ना माइनस फाइव में से जीरो को माइनस किया फाइव सेवन में से जीरो को माइनस किया सेवन वन में से वन को माइनस किया जीरो सोस्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी वन एंड रिमाइंडर इज सेवेंटी फाइव नाउस्ट्रेंट ट्वेंटी वन के साथ बिगर यूनिट राइट करेंगे डेसीलीटर और रिमाइंडर के बाद साथ स्मॉलर यूनिट राइट करेंगे मिली लीटर सो स्ट्रेंड ट्वेंटी सेवेंटी फाइव मिलीलीटर आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट पार्ट सी ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी थ्री मिली लीटर वन मिली लीटर इज इक्वल टू वन अपॉन 100 लीटर नाउ स्टूडेंट्स ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी थ्री को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे किस पे जाएगा वन पे वन हंड्रेड माइनस फोर में से ज़ीरो को माइनस किया फोर टू में से जीरो को माइनस किया टू वन में से वन को माइनस किया जीरो स्टैंड नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे सिक्स अब नंबर है टू हंड्रेड फोर्टी सिक्स स्टैंड सब किस पे जाएगा टू पे टू हंड्रेड माइनस सिक्स में से जीरो को माइनस किया सिक्स फोर में से जीरो को माइनस किया फोर टू में से टू को माइनस किया ज़ीरो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे थ्री अब नंबर है फोर हंड्रेड सिक्सटी थ्री अब स्टूडेंट्स किस पे जाएगा फोर पे फोर हंड्रेड नाउ माइनस थ्री में से जीरो को माइनस किया थ्री सिक्स में से जीरो को माइनस किया सिक्स फोर में से फोर को माइनस किया ज़ीरो सो स्टूडेंट्स वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर डेसी एंड सिक्सटी थ्री मिली लीटर क्वेश्चन के साथ बड़ी यूनिट राइट करनी है और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट राइट करनी है आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड के इच पार्ट्स में से डिवाइड करना है सो स्टूडेंट्स यू डू कम्प्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इन योर फेयर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग थैंक यू स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई विल स्टार्ट योर एस क्लास ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स फॉर क्लास फॉर टूडेज अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर नाइन डियर स्टूडेंट्स इन आवर प्रीवियस वीडियो वी रीड दिस चैप्टर थॉन एंड स्क्रब जो हमारे फॉरेस्टीज हैं एंड टाइटल जो फॉरेस्ट है वो हम कम्प्लीट रीड कर चुके हैं टुडे वी विल रीड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो वन है हमारे जो जंगल है उनका संरक्षण कैसे करना चाहिए फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ हुमन बींग ऑन द अर्थ वन जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्यों ह्यूमन बींग जितने भी हैं जो अर्थ पर रहते हैं उनके लिए वन बहुत इम्पोर्टेंट हैं ट्रीज़ आर बींग कट इन लार्ज नंबर ऑफ क्रिएट मोर लिविंग स्पेस एंड अदर फैसिलिटीज़ फॉर द एवरी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या हो एवर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या हो रहा है कि जो अधिक से अधिक पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हर स्थान पर रहने के लिए जगह है और, और भी मोर जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में काटा जा रहा है एज ए रिजल्ट फॉरेस्ट हैज़ डिस रैपिडली इन मैनी कंट्रीज क्या हो रहा है तेजी से ये जो वन है ये घटते हुए जा रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन इसे हम कहते हैं वनों का कटाव डिफोरेस्टेशन सोइल इरोजन लैंडस्लाइड एंड फ्लड आर द रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन अधिक मात्रा में वनों के कटाव होने के कारण सोइल इरोजन लैंड एंड फ्लड जो बाढ़ जैसी समस्याएँ हैं वो आ रही है उनका रिजल्ट है, आ रहा है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन अधिक से अधिक वन काटने के कारण ये सारी समस्याएँ बढ़ती जा रही है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ तेराई फॉरेस्ट द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टिड इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री इन उत्तराखंड अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदर लाल भगना एंड गुरा देवी गौरा देवी एंड चांदनी प्रसाद भट्ट जो चिपको मूवमेंट है वो उत्तराखंड में नाइनटीन सेवेंटी थ्री में इनकी लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था द मोमेंट वॉज कॉल्ड चिपको इस आंदोलन को कहते थे चिपको आंदोलन एज द विलेज यूज टू यूज द ट्रीज ऑफ प्रिवेंट देयर फ्रॉम बींग कट डाउन यहाँ पर क्या हो गया था गांव गाँव के जो गाँव में जब न, पेड़ काटे जाने लगे थे जो गांव के लोग हैं उन्होंने पेड़ों को एक प्रकार से अपने बांध में भर लिया था पेड़ों को न काटने देने के लिए इसीलिए वो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1973 में सम मोर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट और भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं उन फॉरेस्ट फॉरेस्ट को बचाने के लिए इन इंडिया एवरी ईयर वन महोत्सव इज सेलिब्रेट एट ए बींग टू द मानसून ऑफ मानसून मानसून के अंदर वन महोत्सव स्टार्ट किया गया जाता है इंडिया के अंदर पूरे हर साल

फर्न हॉर्न एंड टर्स्क जो लोग हैं वो बहुत अधिक मात्रा में जो वन्य जीव हैं उनको मारते हैं किस लिए शिकार करते हैं उनकी स्किन के लिए फर्न हॉर्न एंड टस्क के लिए टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ सर्टेन फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट क्या होता है वाइल्ड लाइफ जो वन्य जो जीवन में जो भी एनिमल्स हैं उनको जन... बचाने के लिए गवर्नमेंट अपने कदम उठाती है दीज आर कार्ड फॉरेस्ट रिजर्व और वाइल्ड लाइफ स्नेक्चर्स इनको हम कहते हैं फॉरेस्ट रिजर्वर्स और मैनी प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स एट प्रेजेंट देर आर फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री वाइल्ड स्नेक्ट्रीज आर एंड वन हंड्रेड टेन नेशनल पार्क्स इन इंडिया आज के समय में इंडिया के अंदर पाँच सौ तैंतालीस जो वाइल्डलाइफ सेंचरीज हैं और एक सौ दस नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं भरतपुर रणथंबोर एंड सारी सरिस्का इन राजस्थान राजस्थान के अंदर भरतपुर रणथम्बोर एंड सरिस्का के अंदर बनाया हुआ है सुंदरबन इज वेस्ट बंगाल काजीरंगा एंड मानस इन आसाम बंदी बांदीपुर इन कर्नाटका कैरबेट इन उत्तराखंड कन्हा इन मध्य प्रदेश प्रियार इन Kerala and Gir in rajas Gujarat are some of these famous wildlife sanctuaries in India. Many animals like animal and like lion, tigers, leopards, raincro rain cro, rainocers, elephant, blue bull. जो नील गाय होती हैं वो चिंकाराज एंड मंकीज़ आर फाउंड इन दिज स्नै ट्रीज दी आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दीज एनिमल्स एंड नो वन इज़ अलाउड इन हंट और किल एनिमल्स ये जो अवश्य हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए इनके अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको मारा नहीं जाता है उनका शिकार नहीं किया जाता है सो डियर स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड यू रीड दिस चैप्टर टू टाइम थैंक यू कम्प्लीटली Students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 4th. In our last video, we have completed our reading part of chapter number 14, and now we will start our word meaning and book exercise. So let's start. Chapter number 14, word meaning imitate to copy, imitate to copy, second, vocal. Related to voice or speech. Third, aggressive, forceful. Fourth, distressed, troubled. Fifth, dirty, unclean. And now we will start our book exercise. Part A choose the correct option. First, is we know that parrots and some other birds can blank sounds. हम जानते हैं कि पैरट्स और कुछ दूसरे जो पक्षी होते हैं वो क्या कर सकते हैं साउंड को इमिटेट कर सकते हैं उनकी नकल कर सकते हैं सेकेंड इज ब्लैंक इज यूज बाय डीफ एंड डम पीपल एंड यूज साइन इंस्टीट्यूट ऑफ साउंड जो क्या यूज किए जाते हैं गूंगे और बहरे लोगों द्वारा संकेतों की जो भाषा होती है ध्वनियों के बजाय वो यूज की जाती कौन सी अमेरिकन साइन लैंग्वेज जिसको क्या कहते हैं में क्या कहते हैं थर्ड क्वेश्चन डॉक्टर फ्रांसिन पेट्रिसन स्टार्टेड वर्किंग विद अ बेबी गोरिल्ला जो डॉक्टर फ्रांसिन पेट्रिसन थे उन्होंने जो एक बेबी गोरिल्ला था उसके साथ काम करना शुरू किया था उसको क्या कहते थे शॉर्ट में जो उनका नेम था डी आंसर इज राइट कोको क्या वो कहते थे कोको फोर्थ इज बॉल वॉज अ वेरी एग्रेसिव लिटिल जो बोल था वह बहुत ही क्या था आक्रामक लिटिल क्या था छोटा कैट क्या था कैट बी पार्ट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फोर्थ स्टेटमेंट्स फर्स्ट इज द लिटिल चिम ये क्या है बेटा ये एल दे रखे एच बढ़ाना आपको चिम न्यू वन थर्टी टू वर्ड्स जो वासो था एक छोटा चिम था वो क्या जान गया था वन थर्टी टू वर्ड्स को जान गया था जो उनकी साइन लैंग्वेज थी सेकेंड एनिमल्स कैन नोट टोक दे कैन ओनली इमिडियउंड जो एनिमल्स हैं वो बातचीत नहीं कर सकते वो केवल क्या जानते हैं क्या करते हैं कॉपी करते हैं किसकी साउंड्स की तो ये हमारा होगा ट्रू थर्ड इज डॉक्टर पैटरसन स्टार्टेड वर्किंग विद अ बेबी लोइन जो डॉक्टर पैटरसन थे उन्होंने एक बेबी लोइन के साथ काम करना शुरू किया था तो ये हमारा होगा फॉल्स क्योंकि उसने गोरिल्ला के साथ स्टार्ट किया था कोकोज फेवरेट स्टोरी वर्स द टेन की टन्स जो कोको की पसंदीदा कहानी थी वो टेन की टंस की थी तो ये होगा फ़ॉल्स क्योंकि यहाँ जो थी उसकी पसंदीदा वो थ्री की टंस की थी फिफ्थ इज कोको वांटेड अ किटन विदाउट अ टेल जो कोको कैसी किटन चाहता था विदाउट टेल की तो ये हमारा होगा ट्रू नेक्स्ट पार्ट सी मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दो इन कॉलम बी कॉलम ए के अंदर वर्ड्स हैं उनको कॉलम बी से मैच करना है फर्स्ट इज वोकल तो वोकल को किससे होगा ऑर्गन से किससे होगा डी से ऑर्गन से सेकेंड है साइन तो ये होगा सी से लैंग्वेज साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा थर्ड है बेबी बेबी किससे होगा बी से बेबी गोरिल्ला फोर्थ है बर्थडे तो बर्थडे किसे होगा पार्टी से फिफ्थ है टो टोय होगा कीटन टॉय होगा कीटन डी पार्टीज नाउ यूज द वर्ड्स गिवन अबाउट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस जो ऊपर ये वर्ड्स गिवन है इन्हीं को यहाँ पर हमें यूज करना है क्या करना है यूज करना है फिलअप्स के लिए फर्स्ट इज डीप एंड डम पीपल यूज साइन लैंग्वेज क्या आएगा हमारा साइन लैंग्वेज आएगी इन्हीं वर्ड्स को यहाँ पर यूज करना है जो ऊपर गिवन है उनको ही तो साइन लैंग्वेज जो यहाँ पर है साइन लाइंगवेज सेकेंड अ बेबी अ बेबी गोरिल्ला इज ऑलमोस्ट एज एज मी कितना बड़ा है बेबी गोरिल्ला जितना की मैं मेरे जितना तो यहाँ पर क्या आएगा बेबी जो हमारा ये है बी बेबी थर्ड इज माई मदर हैज मेड क्या आएगा यहाँ पर माई मदर हैज मेड किटन कैसा जो बिल्ली का वो था खिलौना किटन का वो बनाया और वो कैसा खिलौना था इट इज सॉफ्ट एंड कडली जो कि नरम और आलिंगन गले लगाने जैसा था फोर्थ इज आवर वोकल ऑर्गन अलाउ अस टू स्पीक जो हमारे वोकल ऑर्गन होते हैं वो हमें क्या करते हैं अलाउ करते हैं बोलने के लिए उनकी हेल्प से ही उनके कारण ही हम बोल सकते हैं फिफ्थ वी सेल हाव लोड्स ऑफ फन एट आवर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी क्या हमारा बच गया है यहाँ पर बर्थडे पार्टी तो ये फील करेंगे सो प्लीज़ स्टूडेंट्स राइट दिस बुक एक्सरसाइज एंड वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक थैंक यू ए नाइस डे मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका एम एल पी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से बच्चों कल कक्षा चार में मैं करा रही थी आपको पाठ तेरह मुसीबत का हल इसके कुछ प्रश्न हम कर चुके थे आज करेंगे हम बाकी के बचे हुए प्रश्न बच्चों हम आ गए थे प्रश्न नंबर पांच पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए हमारा पहला प्रश्न है राजा ने बूढ़े चरमकार को क्यों डांटा राजा ने बूढ़े चरमकार को क्यों डांटा इसका उत्तर होगा जब बूढ़े चरमकार ने राजा के सवाल का उपाय बताने की आज्ञा मांगी तो राजा ने उसे डांट दिया जब बूढ़े चरमकार ने राजा के सवाल का उपाय बताने की आज्ञा मांगी तो राजा ने उसे डांट दिया अगला प्रश्न है राजा के पैरों में धूल कैसे लगी राजा के पैरों में धूल कैसे लगी इसका उत्तर होगा जब राजा राज्य में घूमने निकला तो राजा के पैरों में धूल लग गई अगला प्रश्न है सारी पृथ्वी को चमड़े से क्यों नहीं मडा जा सका सारी पृथ्वी को चमड़े से क्यों नहीं मड़ा जा सका इसका उत्तर होगा पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है और कोई भी इतना ताकतवर नहीं है जो सारी पृथ्वी को चमड़े से मड सके पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है और कोई भी इतना ताकतवर भी नहीं है जो सारी पृथ्वी को चमड़े से मर सके अगला प्रश्न है राज्य के लोग प्यास से क्यों मरने लगे राज्य के लोग प्यास से क्यों मरने लगे इसका उत्तर होगा छिड़काव में इतना पानी खर्च हो गया कि सारे कुएं व तालाब खाली हो गए इसलिए राज्य के लोग प्यास से मरने लगे छिड़काव में इतना पानी खर्च हो गया कि सारे कुएं व तालाब खाली हो गए इसलिए राज्य के लोग प्यास से मरने लगे बच्चों अब हम करेंगे भाषा और व्याकरण पहला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलो बहुवचन यानी अधिक में बदलना है एक को अधिक में बदलना है प्रथा प्रथाएं प्रार्थना प्रार्थनाएं पंडित पंडितों हवाई हवाइयाँ मंत्री मंत्रियों दिशा दिशाएं आगे निम्नलिखित उर्दू शब्दों के हिंदी समानार्थी पाठ से चुनकर लिखो परेशान का मतलब होता है विचार में डूबना हैरान आश्चर्यचकित इंतजाम प्रबंध मजाल साहस खुश प्रसन्न खचाखच, बहुत भरा हुआ प्रश्न नंबर तीन है पाठ के आधार पर नीचे दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्दों से खाली जगह भरो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है संपूर्ण जाति के लिए जो पूरी जाति के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं पहला वाक्य है राजा के डैश दसों डैश में दौड़े इसमें आएगा सिपाही और दिशाओं राजा के सिपाही दसों दिशाओं में दौड़े अगला वाक्य है एक था डैश और एक था उसका टेस इसमें आएगा राजा और मंत्री एक था राजा और एक था उसका मंत्री अगला वाक्य है राज्य में जितने भी डैश और डैश थे सब बुलाए गए इसमें आएगा वैज्ञानिक और पंडित राज्य में जितने भी वैज्ञानिक और पंडित थे सब बुलाए गए अगला वाक्य है इतना पानी खर्च हुआ कि डैश और डैश खाली हो गई यहाँ आएगा तालाब और कुएं इतना पानी खर्च हुआ तालाब और कुएं खाली हो गए। प्रश्न नंबर चार है निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखो पंडित पहला शब्द है पंडित और इसके पर्यायवाची होंगे विद्वान सुधी और कोविद अगला शब्द है राजा और इसके पर्यायवाची होंगे नृप नरेश सम्राट अगला शब्द है तालाब और इसके प्रयावाची होंगे सर सरोवर तड़ाग। प्रश्न नंबर पाँच है निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखो हमारे पास शब्द है मन इसके समान तुक का शब्द होगा तन बात रात संग रंग बस नस सुन चुन घार चार तो बच्चों ये जो भाषा और व्याकरण के प्रश्न जो मैंने कराए आपको अपनी बुक में फिल करने याद करने हैं और जो प्रश्न नंबर पाँच मैंने आपको कराया है यह आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है तो बच्चों कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद